नमस्कार दोस्तों, कोलकाता की विभत्स घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सख्त बयान सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के मुद्दे पर पूरे देश में उबाल है। अब इस मामले पर पहली बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सख्त बयान जारी किया है। बयान देते हुए द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बहुत हो गया, अब मैं स्तब्ध हूँ, मैं भयभीत हूँ। कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति ने दुख और गुस्सा जताया है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध और भयभीत हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, एक सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। राष्ट्रपति का कहना है कि अक्सर एक घटिया मानसिकता महिला को एक कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान समझती है। उन्होंने निर्भया कांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में ऐसे अनगिनत मामले हुए हैं जिन्हें समाज भूल चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे सामूहिक भूलने की बीमारी बताया और कहा कि यह बेहद निंदनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जो समाज अपने इतिहास का सामना करने से डरते हैं वो सामूहिक भूलने का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का ईमानदारी से सामना करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो ही दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यह घटना हमें स्तब्ध और भयभीत करती है। उनका कहना है कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दें, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुई घटना की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस मामले में तूल पकड़ने के बाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और सीबीआई से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की थी। वहीं कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी की घटना के खिलाफ लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद यानी टीएमसी के स्थापना दिवस पर एक्स पर पोस्ट के माध्यम से पीड़िता चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशेष दिन को वह उस बहन को समर्पित कर रही हैं, जिसे कुछ दिन पहले अस्पताल में निर्मम तरीके से शारीरिक उत्पीड़न कर मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्याय की त्वरित मांग की है।